अव्यय भाव समास आज हम पढ़ाएंगे। जिसमें पूर्व पद, पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। पूर्व पद अव्यय होता है। और जब हम समस्त पद बनाते हैं, समस्त पद में नपुंसक लिंग एक वचन होता है। नपुंसक लिंग एक वचन बनता है, शब्द एक वचन शब्द बनता है। नपुंसक लिंग एक वचन शब्द बनता है और अंतिम दीर्घ स्वर का अ हो जाता है। इसके नियम क्या कहते हैं हमारे? दीर्घ स्वर का, दीर्घ स्वर अंतिम पद का, अंतिम पद का हिरस्व हो जाता है। हिरस्व हो जाता है, हिरस्व हो जाता है। जैसे आतो ए, यमुना यमुनम, वाले में साइन कर देंगे, यमुनम बच्चों, यमुनम, ई को ई, जैसे नदी नदी, ऊ को ऊ, नाइन्थ, वधू को वधू, ओ को उ, जैसे गो, गो को बना गो। ये हमारा नियम कहता है कि अव्ययी पहला पद अव्ययी होना चाहिए और समस्त पद में नपुंसक लिंग एकवचन होता है और ये दीर्घ स्वर का अंतिम पद का हिरस हो जाता है। जैसे आ को ए, ई को ई, ऊ को ऊ, ओ को ऊ हो जाता है। अब हमारा नियम और क्या कहता है अव्ययी भाव में? समीप के अर्थ में, समीप के अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग करेंगे? उप अव्यय का प्रयोग करते हैं। उप अव्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे उप गंगम समीप के अर्थ में आया और गंगा आकारांत का अकारांत हो गया और जब समस्त पद हुआ तो नपुंसक लिंग एक वचन आ गया तो क्या बना हुआ है? उपगंगम। लेकिन अगर हम इसको खोलते हैं तो क्या बनेगा? गंगा के पास, गंगा के समीप। तो काके की के अर्थ में क्या आएगा? और इसमें किस चीज होता है? षष्ठी विभक्ति का। तो गंगा की, बालिका की षष्ठी विभक्ति क्या है? गंगाया, गंगाया समीपम। समझ में आ रहा है? बनाओ उप यमुनम। हाँ तो क्या बनेगा? यमुनाया समीपम। यमुनाया समीपम। अब है
अभाव अर्थ में, अभाव अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग होता है? मैम निर, निर अव्यय का प्रयोग होता है। निर अव्यय का प्रयोग होता है और जैसे निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, मक्खी को क्या बोलते हैं? मक्षिका, लेकिन हमारा समस पद बना तो ए रह गया, तो निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव। एक मक्खी से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत सारी मक्खी होंगी तभी हमारा पड़ेगा फर्क। तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो बालक की या बालिका की षष्ठी विभक्ति का क्या बनता है? बालिका नाम है ना, तो इसमें भी क्या आएगा? मक्षिकाणाम अभाव है। मक्षिकाणाम अभाव है। निर्जनम, निर्जनम, लोगों का अभाव। एक व्यक्ति के तो अभाव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ भी क्या आएगा? बहुवचन। जनानाम, जनानाम अभाव है, जनानाम अभाव है। मैंने इसकी पीटी भेज दी है ना, है ना? निर्जनानाम अभाव है। ये मिटा दो। कहीं समझ में ना आए पूछ सकते हैं बीच में। पश्चात अर्थ में, पश्चात अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयोग होता है? पश्चात अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे अनुरथम, अनु रथम, तो क्या आएगा? रथ के पीछे, रथ के पश्चात, तो क्या बना? रथस्य पश्चात। अव्यय भाव समास में अधिकतर षष्ठी विभक्ति आती है। रथस्य पश्चात, अनु विष्णु, अनु विष्णु, विष्णु पश्चात। विष्णु पश्चात, एक योग्यता के अर्थ में मैंने बताया था कि शब्द का प्रयोग होता है। योग्यता अर्थ में हम अनु, अनु, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, किसमें योग्य आएगा और किसमें पश्चात आएगा। मैंने पहले भी डिफाइन करा था, बताओ क्या आएगा? मैंने डिफाइन किया था, अब समझ में आ रहे? योग्यता के अर्थ में होता है कि जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे अनुगुणम, अनुगुणम, गुण को हम कहते हैं, उसमें ये गुण है, मीठा बोलती है, हम महसूस ही तो कर रहे हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते। तो गुणस्य योग्यम, गुणस्य योग्यम। अनुव्रतम,
या अनुरूपम कुछ भी लगा लो, अनुरूपम। कोई सुंदर है, हम देख के ही तो कहते हैं ये सुंदर है, हम उसको पकड़ के अपने हाथ में नहीं ले सकते। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, ये आपको दोबारा पढ़ाया जा रहा है, ध्यान से पढ़ लेना। एक होता है दीक्षा, आवृत्ति के अर्थ में, आवृत्ति किसे बोलते हैं, रिपीटिशन। रिपीटिशन आवृत्ति माने पुनरावृत्ति, बार बार उस चीज का कह करना। जैसे अब हम तुम्हें करा रहे हैं तो आवृत्ति हो रही है, रिवीजन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। आवृत्ति के अर्थ में प्रति, प्रत्येकम प्रत्येक। अब यहाँ पर 20 बच्चे बैठे हैं तो प्रत्येक क्या खत्म होंगे। मैम आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। मैम 8 पॉइंट दोबारा समझा दो, आपकी वीडियो पॉज हो गई थी। आवृत्ति के अर्थ में, आवृत्ति रिपीटिशन के अर्थ में, अब किसका प्रयोग होता है, प्रति अव्यय का। एकम एकम प्रति, हमारा नियम भी क्या कहता है, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रति के योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तुमने नियम भी पढ़ा था। तो एकम एकम प्रति, यहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, प्रतिग्रहम, एक और बना देते हैं प्रतिग्रहम। तो इसको हम ग्रहे ग्रहे इति। अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो हमने द्वितीय विभक्ति प्रयोग करी थी, और लेकिन इसमें हमने सप्तमी विभक्ति करी है, लेकिन सप्तमी विभक्ति के साथ हमने किसका प्रयोग करा है, इति का। अगर हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो इति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो प्रति, जैसे ग्रहम ग्रहम प्रति। ये दोनों इसलिए बता रहे हैं कि कहीं दो बार आ गया पेपर में तो तुम कंफ्यूज ना हो। एक है अनतिक्रम में, अनतिक्रम में किसे बोलते हैं, उल्लंघन। अनतिक्रम में उल्लंघन के अर्थ में, के अर्थ में। उल्लंघन के अर्थ में जैसे यथाशक्ति, यथा शक्ति। तो इसमें हमारी कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें, उल्लंघन ना करने के अर्थ में। ना करने के अर्थ में, उल्लंघन ना करना, उल्लंघन ना करना। यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, तो शक्तिम शक्तिम अनतिक्रम में। इसमें हमारे कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, द्वितीय विभक्ति का। यथा विधि, यथा विधि क्या बना, विधिम अनतिक्रम में, विधिम अनतिक्रम में। एक और आता है बस, हाँ
मैम एक बार ये जो दोनों अनु अनु होते हैं मैम, इनके अंदर अंतर बता दीजिए। मैंने बताया तो अभी पहले कर लेते हैं फिर बताऊंगी। संपत्ति के अर्थ में, संपत्ति के अर्थ में से अव्यय का प्रयोग होता है। से संपत्ति के अर्थ में सह, सह अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे और इसमें शब्द क्या लगता है, से से छत्रम, से छत्रम, छत्रियों की संपत्ति, छत्रियों की संपत्ति। तो क्या बनेगा, छत्राणाम, छत्राणाम संपत्ति। इसमें से और लगा ली इसमें ब्रैकेट में, छत्राणाम। जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे तो से लिखेंगे और वहां पर वही षष्ठी विभक्ति का ही अधिकतर प्रयोग होता है। से बलम, से बलम, बलेन सह, बलेन सह। तृतीय विभक्ति लिखी है ना, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो यहाँ बलेन से। जब हम किसी जाति के लिए बताएंगे क्षत्रिय वैश्य हिंदू तो उसमें आएगा संपत्ति और षष्ठी विभक्ति। अगर हम है का प्रयोग करेंगे बल के साथ, यश के साथ, आयु के साथ या वीरता के साथ तो हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मैम हाँ जी बोलो। मैम जब आपने लास्ट टाइम ही कराए थे तो आपने कुछ हमें अभ्यास कार्य दिया था मैम, वो चेक करवा दो। हाँ ठीक है।